गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल अंडरस्टैंड अबाउट माई फैमिली चैप्टर 1. लेट्स स्टार्ट. पलक वॉज गोइंग फॉर वकेशंस टू हर नानीज हाउस. शी वॉज फीलिंग एक्साइटेड एज शी वुड बी एबल टू स्पेंड सम डेज विद हर मामा, मासी एंड देयर चिल्ड्रन. शी लव्ड द डिशेज कुक बाय हर नानी. हर जॉय न्यू नो बाउंड्स. देखिए, जैसे आप घूमने जाते हैं छुट्टियों में अपनी नानी के घर, वैसे ही पलक भी अपनी नानी के घर गई और वो बहुत एक्साइटेड थी कि उसे कुछ सम डेज उसे मिलेंगे अपने मामा, मासी और बच्चों के साथ रहने के लिए. ठीक है, और उसे अपनी, जैसे आपको अपनी नानी की बनी हुई चीज़ें बहुत पसंद आती है ना, तो उसको भी बहुत प्यार था उसकी नानी की हाथ की कोई भी डिश खाने का, और उसकी खुशी का तो कोई भी ठिकाना ही नहीं रहा. अब हम फैमिली के बारे में पढ़ेंगे कि फैमिली कैसी कैसी होती है, फैमिली में कौन होता है, कौन हमारा क्या लगता है. ठीक है, फादर्स फादर, जो आपके पापा के पापा होंगे वो आपके क्या लगेंगे, ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी. फादर्स यंगर ब्रदर, यंगर ब्रदर मींस उनके छोटे भाई, आपके पापा के छोटे भाई आपके क्या लगेंगे, चाचा, और इंग्लिश में आप उन्हें क्या बोलेंगे, अंकल. फादर्स मदर, आपके पापा की मम्मी आपकी क्या लगेंगी, ग्रैंड मदर यानी कि दादी. और इन सारे जो भी आपके फादर से रिलेटेड, आपके पापा से संबंधित आपके जो भी रिलेशन होंगे वो क्या कहलाएंगे, पैटर्नल. पीछे पापा और पैटर्नल, ठीक है, पैटर्नल रिलेशंस. मदर से जितने भी जुड़े हुए आपके रिलेशन होंगे वो कहलाएंगे मैटर्नल. ओके, मदर के फादर को आप क्या बोलेंगे, उनको भी आपने ग्रैंडफादर बोलना है इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलेंगे आप, नाना जी. मदर्स ब्रदर, मदर के आपकी मम्मा के भाई को आप क्या बोलोगे, मामा, या फिर इंग्लिश में सेम अंकल. मदर की मदर मीन्स आपकी नानी, नानी को आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, ग्रैनी. ओके, फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड टू वन अनदर हु लिव इन द सेम हाउस. एक फैमिली वो होती है जिसमें आपस में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, एक दूसरे से रिलेशन होता है, और कहाँ रहते हैं, वो सेम घर में रहते हैं. जैसे आपकी फैमिली है बच्चों, आप एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, है ना, और कहाँ रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं ना. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ की, कितनी कितनी तरह की फैमिलीज़ होती हैं. आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस अपने घर में कि किसी की फैमिली छोटी होती है, किसी की फैमिली बड़ी होती है. आज हम वही पढ़ेंगे उन फैमिलीज़ को क्या कहते हैं. न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर मीन्स एकल परिवार. जैसे जो छोटी फैमिली होती है उसे न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं. अ स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली इज़ अ फैमिली इन विच वन और टू चिल्ड्रन लिव विद देयर पेरेंट्स. ठीक है, एक न्यूक्लियर फैमिली वो होती है जहाँ पर मम्मी पापा अपने एक या दो जितने भी उनके बच्चे होते हैं उनके साथ रहते हैं. अ बिग न्यूक्लियर फैमिली इज़ अ फैमिली इन विच मोर देन टू चिल्ड्रन लिव विद देयर पेरेंट्स. जब मम्मी पापा अपने दो या दो से अधिक बच्चों के साथ रहते हैं तो उसे बोलेंगे बिग न्यूक्लियर. स्मॉल कौन सी हुई जिसमें वन या फिर दो बच्चे होंगे घर में, और बिग कौन सी होगी जिसमें दो से ज़्यादा होंगे. जॉइंट फैमिली, मनीष हैज़ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अ ब्रदर इन हिज फैमिली. देखो अब जॉइंट फैमिली कौन कौन होती है, आपको भी पता होगा ज़्यादातर बच्चों की जॉइंट फैमिली होती है ना. कौन कौन होते हैं उसमें होते हैं आपके दादाजी, आपके पेरेंट्स और उनके भाई, चाचा चाची, है ना, उसे बोलेंगे. लेकिन एक भाई है, ठीक है, अगर एक भाई है तो जस्ट वो स्मॉल जॉइंट फैमिली होगी. जो ना लिव विद हर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, सिस्टर, अंकल, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन. देखो अब यहाँ पे उससे भी बड़ी फैमिली है, यहाँ पे स्मॉल जॉइंट फैमिली है. जॉइंट फैमिली के भी टू टाइप्स हैं, स्मॉल जॉइंट फैमिली एंड बिग जॉइंट फैमिली. स्मॉल जॉइंट फैमिली वो होगी जिसमें दादा दादी होंगे, मम्मी पापा होंगे और भाई होगा, ठीक है. और बिग जॉइंट फैमिली में कौन होगा, दादा दादी, मम्मी पापा, बहन भाई, सिस्टर्स होगी, है ना, अंकल आंटी होंगे उस फैमिली में, और उनके बच्चे भी होंगे. तो देखो ये हुई ना और भी बड़ी फैमिली, तो इसे बोलेंगे बिग जॉइंट फैमिली. सिंगल पेरेंट फैमिली, अ सिंगल पेरेंट फैमिली इज़ अ फैमिली
अ स्पेशल फैमिली वेयर चिल्ड्रन लिव विद आइदर ऑफ द पेरेंट्स नॉट बोथ ऑफ देम। देखो सिंगल पेरेंट फैमिली ऐसी फैमिली होती है जिसमें बच्चे या तो अपनी मम्मी के साथ रहते हैं या फिर अपने पापा के साथ रहते हैं। ओके अ फैमिली ट्री, फैमिली ट्री हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप विद इन द फैमिली। अब हम एक फैमिली ट्री बनाएंगे, ठीक है, उसमें देखेंगे कि कौन किस लेवल पे आता है। ठीक है, आप सोचिए बच्चों, सबसे पहले कौन आना चाहिए फैमिली में, सबसे बड़ा जो जड़ होती है एक ट्री की, एक फैमिली की जो मेन होते हैं वो कौन होते हैं? यस यस, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, क्योंकि उनसे ही तो फैमिली शुरू होती है, दादा दादी से। ठीक है, फिर दादा दादी होते हैं, उनके बाद अभी हम पैटर्नल फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पैटर्नल फैमिली कौन सी होती है जिसमें फादर से, पापा से रिलेटेड आएंगे सभी। ओके, लाइक देखिए ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, फिर उनके बच्चे आएंगे जो आपके फादर मदर लगेंगे, अंकल होंगे आपके, ताऊ जी ताया जी लगेंगे, है ना, वो सब उनकी उनके बच्चे होते हैं दादा दादी के। फिर दादा दादी के बाद पेरेंट्स आए, पेरेंट्स के बाद कौन आएंगे? आप सभी, यानी कि बच्चे, जितने भी घर में बच्चे हैं वो आएंगे, वो थर्ड जनरेशन कहलाएगी। फर्स्ट जनरेशन कौन सी होगी? जिसमें दादा दादी आएंगे। दादा दादी के बच्चे कौन हुए? आपके मम्मी पापा, वो सेकंड जनरेशन में आएंगे। और थर्ड जनरेशन में कौन आएगा? आप सभी जो बच्चे हैं। ठीक है, पीपल इन द फैमिली, द नंबर ऑफ मेम्बर्स इन अ फैमिली डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ फैमिली। देखो कोई भी फैमिली है, अभी सभी मेंबर्स जो होते हैं फैमिली में, एक फैमिली का मतलब ही यही होता है कि सब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, है ना, सबको आपस में मिलजुल कर काम करना होता है। अ न्यूक्लियर फैमिली मे हैव जस्ट 3-4 मेंबर्स, विद द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ जॉइंट फैमिली मे गो अप टू 10। देखो एक जो छोटी परिवार न्यूक्लियर सिंगल फैमिली होती है उसमें कितने मेंबर होते हैं? 3 या 4, लेकिन जो एक जॉइंट फैमिली होती है उसमें 10 मेंबर होते हैं। ओके, हाउएवर डेथ्स बर्थ्स मैरिज कीप ऑन चेंजिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो अब जीवन है, जीवन में तो सब कुछ होता है, जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है, शादी भी होती है, फैमिली कम भी होती है, बढ़ती भी है, टाइम टू टाइम मेंबर जो हैं चेंज होते रहते हैं। सम ऑफ आर रिलेटिव्स लिव विद अस इन द सेम हाउस व्हाइल अदर्स लिव इन डिफरेंट हाउस। देखो कुछ हमारे रिलेटिव ऐसे होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डिफरेंट हाउसेस में रहते हैं और किसी स्पेशल डे ओकेजन पे ही मिलते हैं, जैसे बर्थडे पे कोई आया, मैरिज पे आया, है ना, बुआ होती हैं आपकी वो बर्थडे पे आती हैं, मैरिज पे आती हैं या किसी छुट्टी में आती हैं, है ना, और जो आपके चाचा होते हैं वो आपके साथ रहते हैं बिग फैमिली में। इंटरेक्शन बिटवीन द फैमिली मेम्बर्स स्ट्रेंथन्स द बॉन्डिंग बिटवीन देम। देखो स्ट्रेंथ्स जो इंटरेक्शन होती है, जब हम आपस में मेलजोल रखते हैं, वो एक फैमिली की स्ट्रेंथ होती है, है ना, कि कोई भी मुसीबत आए सब साथ में उसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर प्यार ही नहीं होगा, इंटरेक्शन ही नहीं होगी, तो फिर उस फैमिली का तो भगवान ही जाने कि क्या होगा, है ना। आपस में सभी को प्यार से रहना चाहिए। फैमिली वैल्यूज़, अ चाइल्ड्स फर्स्ट स्कूल इज़ द फैमिली। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आप स्कूल में बाद में जाने लगते हैं, लेकिन आपका पहला स्कूल आपका कौन है? फैमिली। फैमिली ही तो आपको गुड वैल्यूज सिखाती हैं। वी लर्न शेयरिंग केयरिंग हेल्पिंग ईच अदर काइंडनेस व्हेन वी लिव टुगेदर। जब हम एक साथ रहते हैं तो हम एक दूसरे से चीज़ें शेयर करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं और हेल्प भी करते हैं, और हमें एक दूसरे की फिक्र रहती है जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। दिस वैल्यूज़ आर टॉट टू अस बाय आर फैमिली मेम्बर्स। और ये सब हमें कौन सिखाता है? हमारे फैमिली मेम्बर्स। हेयर आर सम वैल्यूज़ दैट वी लर्न। कुछ वैल्यूज़ हैं जो हम सीखेंगे। बींग पोलाइट टू एवरी वन, हमें सबके साथ कैसे बोलना चाहिए? प्यार से, पोलाइटली, है ना। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपने छोटों से प्यार करना चाहिए। एक्सटेंडिंग अ हेल्पिंग हैंड टू एंड केयरिंग अबाउट आवर फैमिली मेम्बर्स। और हमें हमेशा अपनी फैमिली को हेल्प करने के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए और सबकी केयर करनी चाहिए। शेयरिंग इज़ केयरिंग। ऑल फैमिली मेम्बर्स हैव स्पेसिफिक रोल्स टू परफॉर्म। सभी फैमिली मेम्बर में देखो क्या होता है, ये तो नहीं होता कि सिर्फ एक ही काम करता है, सभी सबकी कोई ना कोई, सबको घर में कोई ना कोई काम दिए जाते हैं, है ना। शेयरिंग इज़ केयरिंग, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर।
फादर एंड अंकल्स अर्न मनी फॉर द फैमिली. देखिए कौन आपके घर में पैसा कमा कर लाता है बाहर से, फैमिली में फादर एंड अंकल. समटाइम्स मदर इज़ आल्सो अर्निंग, बट जर्नली हम यहाँ कॉमन बात कर रहे हैं कि क्या होता है ज़्यादातर. मदर आंट लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द ऑल फैमिली मेम्बर्स. जो मदर होती हैं, आंट होती हैं, वो क्या करती हैं, फैमिली मेम्बर की नीड्स का ध्यान रखती हैं. वो कुक करती हैं, वॉशिंग करती हैं क्लोथ्स को, और हेल्प करती हैं बच्चों की स्टडीज़ में. सम लेडीज़ नाउअडेज गो आउट टू वर्क टू अर्न मनी. कुछ लेडीज़ घर से बाहर भी जाती हैं अर्न करने के लिए मनी, है ना. ग्रैंड पेरेंट्स टीच मॉरल वैल्यूज़ टू द चिल्ड्रन एंड लुक आफ्टर दैम. ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं अपने बच्चों को और उनका ख्याल रखते हैं. द चिल्ड्रन हेल्प द एल्डर्स इन देयर वर्क बाई टेकिंग पेट्स फॉर अ वॉक, लेइंग द टेबल, वाटरिंग द प्लांट्स. दे आल्सो स्पेंड सम टाइम विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स. बच्चे क्या करते हैं, अपने दादा दादी के साथ बाहर घूमने जाते हैं, पेट्स के साथ अपने, और प्लांटिंग भी करते हैं, वाटर भी देते हैं, और अपने दादा दादी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं. अब देखिए रिजेम्बलेंस. रिजेम्बलेंस क्या होता है कि जब हम किसी के जैसे दिखते हैं. अब फैमिली में सब एक जैसे होते हैं तो वो दिखने में भी एक जैसे होते हैं. कभी कभी कहते हैं ना, ये तो अपनी बुआ पे गया है, ये तो अपने चाचू पे गया है, है ना. तो ये हेरिडिटी फैक्टर होता है कि जो हमें अपने माता पिता से गुण मिलते हैं वो सेम टू सेम होते हैं. रिजेम्बलेंस मीनिंग ये होता है. इट इज़ व्हेन वी शेयर सम फिजिकल फेशियल फीचर्स विद आवर फैमिली मेम्बर्स. जब हम कोई हम शक्ल से अपने फेस से अपने किसी फैमिली मेम्बर से मिलते हैं थोड़े थोड़े, तो उसे कहते हैं ये तो अपने मामा की तरह दिखता है, है ना. इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ, चाहे तो आपकी हाइट हो, कॉम्प्लेक्सेशन, ईटिंग हैबिट्स, कलर ऑफ आइज, इवन द टेम्परामेंट. मीन्स कोई भी, चाहे तो आप हाइट में अपने किसी फैमिली मेम्बर से मिलें या हैबिट्स में, स्वभाव में, किसी भी तरह आप मिल सकते हो. ये हेरिडिटी फैक्टर्स होते हैं जो आपको फैमिली से मिलते हैं. होप है बच्चों ये चैप्टर आपको बहुत ईजी लगा होगा, है ना. आपकी फैमिली से ही रिलेटेड है, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो आपने कभी सुना नहीं या आपको पता नहीं. फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल करके, मैसेज करके, एनी टाइम. स्टे होम, स्टे हैप्पी.